गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश एंड न्यू ब्लॉग। तो ये है लास्ट सैटरडे का वीडियो जहाँ पे मैं अपना गार्डन को देखने आ गई। जैसे मैं डेली करती हूँ, हर दिन सुबह उठने के बाद जस्ट इनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताती हूँ। यहाँ पे देखिए पॉल्यूशन का फॉग कैसा है, मतलब इट्स कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा उस दिन था। बुक किया था एनिमल उस दिन जो मूवी है उसको देखने जाने के लिए, और फिर हम सोच रहे थे कैसे ड्राइव करके जाएं, पर ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे कम होता गया। तो देखिए पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इसके हेल्थ के ऊपर, जैसे कफिंग एंड आइज़ में इरिटेशन होना। थैंक गॉड हमको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमको 6 महीने हुआ यहाँ पे शिफ्ट हुए, और इस प्लांट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो ये मेरा ऑर्किड, और ये जो ये लेमन नहीं था, ये चाइनीज़ ऑरेंज था, ऐसा मेरा गार्डनर ने बोला। और यहाँ पे मैं कुछ और पौधे ली हूँ, और ये सारे प्लांट्स जो ली हूँ, और यहाँ पे सारे पौधे में ये जो खत है, जो खाद होता है, उसको डालेंगे ये सारे पौधे में। 3 मंथ्स ये खाद जो है डाले जाते हैं पौधे में। मैंने यहाँ पे मैरीगोल्ड डाली, सनफ्लावर और जूही और सेवती फ्लावर्स लिए थे, और एक भी लिया था, 5 पौधे लिए थे यहाँ पे। और ये वाला जो इसका नाम मुझे नहीं पता, जो रेड एंड रेड और येलो दिख रहा है आपको, एक ही गमला। कीटनाशक दवाई डाली जा रही है, क्योंकि कुछ पौधे में कीड़े हो गए थे, तो यहाँ पे ये कीटनाशक दवाई दिए जा रहे हैं। शो 3:30 बजे था, तो हमने जल्दी लंच कर लिया, मतलब जल्दी मंस 1:30 को ये हमारा लंच था सैटरडे, लास्ट सैटरडे को। फिर हम निकल गए एनिमल मूवी देखने के लिए, और आप बिलीव नहीं करेंगे, इट वाज टू पैथेटिक मूवी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वायलेंस था, और ओनली खून खराबा, नथिंग एल्स। ये है सफायर मॉल सेक्टर 90 में, जहाँ पे हम आए थे, और अभी हम जा रहे हैं घर। थोड़ा सा सफायर मॉल में हमने थोड़ा सा घूम लिया, कुछ ख़रीदा नहीं, जस्ट ऐसे विंडो शॉपिंग कर लिया, और फिर अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। नेक्स्ट डे हमने बुक किया था सैम बहादुर और एक मूवी संडे को, और ये हम पहुंच गए हैं एम्बियंस मॉल, तो यहाँ पे हमने ये मूवी देखा, लेकिन ये भी इतना ख़ास नहीं था, बट जस्ट टाइम पास, बेटर देन एनिमल। मूवी ख़त्म होने के बाद हम अपना जो बेसमेंट में कार पार्क किए थे उसको ढूंढते ढूंढते 30 मिनट्स हो गया, कार नहीं मिल रहा था। हम चले घर, ऑफिस। तो ये मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं अपना ऑफिस,
curb right ahead. स्काई हमने जो लिया था वो उसका वायर किसी ने काट दिया था, तो सिग्नल नहीं आ रहा था और ये टाटा स्काई के टेक्नीशियन आके उसको ठीक कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे मेरे नए पौधे का क्या हाल है। और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और ये जूही फ्लावर्स भी, इसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं, और ये सेवती मैरीगोल्ड। तो नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ बाटर रह गया था डोसा का, तो मैं ये बना रही हूँ अपने लिए ये ब्रेकफास्ट, और इसके साथ मैं ग्रीक चटनी के साथ इसको मैं खाई थी ब्रेकफास्ट में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है फ्राइडे और मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए कैबेज की सब्जी, राइस एंड दाल लंच में। तो ये जो आप पिछले आप क्लिप्स देख चुके हैं वो ऑलमोस्ट 1 वीक के हैं। इसी बीच कुछ हुआ नहीं ऐसा खास कि मैं शूट करूं और इस ब्लॉग में डालूं। तो चलिए बनाते हैं कैबेज की सब्जी। तो फ्रेंड्स, कैबेज की सब्जी तो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूं, बस मैं कैसे बना रही हूँ ये आप खाली देखिए। इसको मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके शो किया है।
एंड देखिए कैसे पानी दे रहे हैं सारे प्लांट्स पे। सैटरडे संडे ऑलमोस्ट मेरे हस्बैंड ही पानी देते हैं प्लांट्स पे, तो मेरा रेस्ट रहता है इनसे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ज़रूर एक दो तीन बार तो मतलब बैल्कनी में चक्कर लगा ही देती हूँ। और फिर हम ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जा रहे हैं सब्जी लेने, जो हमारे घर के पास ये सोसाइटी के जस्ट पास ही ये सब्जी में सब्जी वाला रहता है और फ्रूट्स भी रहता है। ये कितने का है? ये बनाना चाहते हैं संतरा और कद बनाना चार केला चार सौ पैंतालीस मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और सुबह सुबह हम दोनों, आपने देखा जैसे हम चले गए थे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ख़रीदने, तो हमारे सोसाइटी के पास ही ये है जहाँ पे हम ख़रीदने जाते हैं वीकेंड पे, और बहुत सारा सब्जी लाए हैं। तो मैं अभी कुकिंग कर रही हूँ और कुकिंग में क्या बना रही हूँ चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे एग करी सूखा सूखा मैंने बनाया है ये, और दाल चढ़ा दिया है, चावल बन रहा है, और ये मैंने ड्रमस्टिक और आलू मस्टर्ड पेस्ट के साथ बनाऊंगी, तो मैंने काट के रेडी कर लिया है, बनाने के बाद आपके साथ शेयर करूंगी। मूली का साग इसको भी बनाने वाली हूँ। फिर हम शाम को चलेंगे हमारे घर के पास, ये मछली मिलता है, देखिए कैसे बाथटब में ये पानी में मछली तैर रहे हैं, तो हमने यहाँ से मछली लिया। दूसरे वाले टब में जो ब्लैक कलर के है, तो मुझे जैसे स्नेक्स लग रहा था तो मैं पूछ रही थी कौन सी मछली है। फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा देन डू लाइक्स सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।